रीवा की मऊगंज नगर पंचायत में सीएमओ और एक प्रोजेक्ट मैनेजर के बीच विवाद हो गया। दोनों ही पक्षों की तरफ से मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। घटना उस वक्त की है जब सीएमओ सहित उनका स्टाफ प्रोजेक्ट कंपनी के कार्यालय की बिजली काटने पहुंचा था, जहां प्रोजेक्ट मैनेजर हुकुम सिंह ने उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी। सीएमओ का कहना है कि कंपनी नगर पंचायत की बिजली चोरी कर रहा था, इसीलिए वो कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान स्टाफ और उनके साथ बदसलूकी की गई। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर का आरोप है कि सीएमओ उनसे पैसों की डिमांड कर रहे थे और पैसे ना देने पर उन्होंने बिजली काट दी और मजदूरों के साथ साथ उसके साथ भी मारपीट की। ये मैं काम कर रहा था, सीएमओ आए बोलो कि केबल ओबल हटाओ यहाँ से, मैं अपना काम कर रहा था, धक्का मार दिया, गिर गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया। सीधा फंडा एक है कि बस डिमांड पैसे की है उनकी, और कोई डिमांड नहीं है कि डिमांड पूरी करो तो काम होगा, बाकी नहीं होगा। बाकी क्योंकि मऊगंज में बहुत सारा यही सिस्टम चल रहा है कि पैसे दो तो काम करो, नहीं तो कोई दिक्कत पैदा करते ही रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है हमारे को। अब आके ये हफ्ता 10 दिन से हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है, क्योंकि काम करने में हमारे को दिक्कत हो रही है। तो ये वैधानिक रूप से निकाय को चूना लगा रहा था, क्षति पहुंचा रहा था, तो इनको सबको भेज के और कर्मचारियों को लेके हमने सारे तार वगैरह उसके जब्त कर लिए हैं। उस दौरान ये हमारे कर्मचारियों के साथ ये केएनके कंपनी का जो मैनेजर है हुकुम सिंह सरदार, उसने अभद्रता की और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, जिसको ये हमारे कर्मचारियों ने हमको लिख के ये दिया है। इसका पंचनामा वगैरह तैयार करा के हम FIR उसके खिलाफ दर्ज कराने जा रहे हैं।